आज भी दान पे चलता है मेरा सब कुछ। हाँ। कोई देना चाहे तो बस दान पे चल रहा है उनका। आज तक पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा नहीं कर पाई बिहार में, इनकी सभा में कैसे हो गए इकट्ठे, तुम्हें आने नहीं देंगे। क्या हुआ तेज प्रताप यादव का? हाँ। सनातनी कभी जाके किसी के यहाँ शरणार्थी नहीं बनता। अभी उड़ीसा में हादसा हुआ है, एक उन्होंने चैनल पे कहा था, मुझे इसका पता था, अगर आपको पता था तो रोक लेते, इतनी मौत ना होती। आसाराम बाबा भी थे, याद होगा आपको, इनसे ज्यादा भीड़ रहती थी और उनके कारनामे कैसे निकले। बागेश्वर बाबा को आसाराम से तोल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। वो बाबा कम है, भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा हैं। अच्छा जी, पर ऐसा तो नहीं, वहाँ पे तो विपक्ष के लोग भी जाते हैं आशीर्वाद लेने। अगर आप चमत्कारी हैं, मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये जो बाढ़ आ रही है, जो ये हादसे हो रहे हैं हमारे देश में, इसी को रोक दे, इसकी भी पर्ची निकाल दे, अगर आप विश्वास करते हैं। नहीं, ये तो भाई हमेशा दूसरी उल्टे बुद्धि बात करते हैं। हाँ। भाई एक व्यक्ति ने कभी कहा ही नहीं मैं चमत्कारी हूँ, वो तो कहते हैं कि भाई मुझे बस एक कितना है कि कोई आता है तो वहाँ पे बागेश्वर धाम पे नारियल बांधता है। हाँ। अरदास करता है, उनका स्वागत है, जबरदस्ती, सुनिए एक मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं ना पैसों से है और ये तो एक प्रमाण दिखा दो किसी व्यक्ति ने पैसे दे के एंट्री की हो, एक प्रमाण दिखा दो जिसने पर्ची दी हो पैसे दे। हाँ। पैसे और उनका बैंक अकाउंट दिखा दो। हाँ। उन्होंने खुद कहा है मैं तो कोई पैसा लेता ही नहीं। हाँ। फकीर हूँ आज भी दान पे चलता है मेरा सब कुछ। हाँ। कोई देना चाहे तो बस दान पे चल रहा है उनका। अब ये क्या है, कोई मनगढ़ंत कहानी कितनी भी बना लो उनके बारे में। हाँ ये है कि भाई समय समय पर देवराहा बाबा वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी से लेके इंदिरा गांधी जी तक सब आशीर्वाद लेने जाते थे। नीब करौरी बाबा प्रत्यक्ष प्रमाण रहे हैं, आज भी मार्क जुकरबर्ग भी उनके पास गए स्टीव जॉब्स के कहने पे। तो यह सिद्ध संत भारत में पाए जाते हैं। अब भाई हम, मैं ये नहीं कह रहा कि बागेश्वर धाम सरकार भाई भाग रहे हो, प्रमाणिक संतों के नाम ले रहा हूँ भाई, वो बालाजी महाराज के उपासक है, और देखो शंकर स्वयं केसरी नंदन और रामायण के बाद पांच किरदार हैं, पांच एक ऐसे जीवंत तो यहाँ पे किरदार हैं जो अभी भी जीवित है, जिसमें भगवान हनुमान का नाम आता है और वो बहुत लोगों को दर्शन देते हैं। अब देखो महावतार बाबा के बाद रजनीकांत क्यों जाता है, कोई आ जाके पूछता है कि उन्होंने तो फिल्म भी बनाई उसके ऊपर। भाई महावतार बाबा कितने बड़े बाबा रहे, लाहड़ी महाराज, उसके बाद तेलंग स्वामी, उनके बाद एक से एक बड़े महान स्वामी रहे हैं, हैरण खान स्वामी जी, ऐसे हजारों रहे हैं। पर अब इन लोगों में दिमाग में भ्रांति है, ये तो प्रत्यक्ष एक ओरा दिख रहा है ना इनका, कोई मूर्ख थोड़ी है। 13 लाख लोग आज तक पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा नहीं कर पाई बिहार में, इनकी सभा में कैसे हो गए इकट्ठे, कोई है जवाब? भाई ये तो RJD के लोगों ने धमकी भी दी थी, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें आने नहीं देंगे। क्या हुआ तेज प्रताप यादव का? तो देखो विपक्ष का भी, अपने का विपक्ष के लोग भी जाते हैं। एक महेंद्र गोयल नाम का व्यक्ति है आम आदमी पार्टी का, सेक्टर 5 रोहिणी की साइड से है कहीं से। हाँ। वो क्यों गया वहाँ पे? अगर ये BJP के प्रवक्ता है तो भाई और पार्टी के लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो आपको ये लगता है क्या कि जो विरोधी इनका बाबा जी का विरोध करते हैं इसलिए करते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? ये अंधा विरोध है, बस मैं इतना कह दूं, हिंदू राष्ट्र के लिए बात करते हैं, आपने सही कहा, सनातन राष्ट्र की वो बात करते हैं, सनातन धर्म को सिलेबस में लाने की बात करते हैं, क्योंकि सनातन सर्वश्रेष्ठ है, सनातन की वजह से आतंकवाद नहीं फैलता, सनातन कभी फ्रांस में जाके बम नहीं फोड़ता, सनातनी कभी जाके किसी के यहाँ शरणार्थी नहीं बनता, सनातनी कभी आतंकी नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं सनातन धर्म को मानो। सनातन में क्या, आप देखो बालाजी महाराज को जो पूछते हो, ब्रह्मचार्य का पालन भी करते हैं, अब भगवान शिव का सावन का महीना चल रहा है, जल भी चढ़ा रहे हैं और इसमें हर प्रकार का व्यक्ति है, इसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी, हर प्रकार के व्यक्ति जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन ये क्या तो लगता है आपको? बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से बाबा ऊपरी छाया को भी हटाते हैं, ये केवल हिंदू धर्म में भी नहीं होता, तमाम धर्मों में इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन हर बार सनातनी को ही ट्रोल क्यों किया? ये इसलिए क्या, मेहंदीपुर बाला जाओ ना, एक एक व्यक्ति पत्थर उठा देते हाथ से, वो नहीं दिखता इन लोगों को। और ये पीर फकीर की बात कर रहे थे, क्या पीर फकीर हुए नहीं इस देश में? एक से एक बड़े पीर फकीर भी हुए, उनकी पूजा होती है, गोगा जी महाराज हुए राजस्थान में, ठीक है ना? तो अपमान मत करो भाई, वो संत हैं, उन्हें जो पूज रहे उनकी आस्था के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते, अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे साधु संत फकीर लाइन को इन जैसों ने ही बदनाम कर रखा है। और रही बात बागेश्वर बाबा की, अभी उड़ीसा में हादसा हुआ है, एक उन्होंने चैनल पे कहा था, मुझे इसका पता था, अगर आपको पता था तो रोक लेते, इतनी मौत ना होती। क्यों कहा था आपने? आपने मजाक बना दिया उनका, मरने वालों का। अब देखो कितना ही कुछ ऐसा होता है जो कि निर्धारित है। अर्जुन ने
अपने ही सगे भाइयों को, अपने ही भाइयों को मारा, मारा कि नहीं मारा? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भाई ये करने कराने वाला मैं तो, तुम तो बस माध्यम हो। तो इस कलयुग में सब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अब बालासोर में जो घटना हुई है उड़ीसा में, उसकी हम भाई उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी जिनकी डेथ हुई है जो भी लोग हैं, लेकिन उसके उसके लिए आप बागेश्वर धाम सरकार पे टारगेट कर रहे हो, तो ये राजनीतिक टारगेट है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।